बताओ। सर पहला वाले में टू ए अपॉन बी फोर इज इक्वल टू वन कॉमा बी इज इक्वल टू टू, तो इसमें क्या करना था? वैल्यू फाइंड करनी थी, वो तो सारा यही था। ये तो पूरे जितने भी क्वेश्चंस दिए थे इन सबों में आपको एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है, यही तो हम कर रहे थे। अब नेक्स्ट तो यही है टॉपिक, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। तो जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया है, फॉर एग्जांपल ये एक्सप्रेशन दिया है टू ए अपॉन बी, इसका वैल्यू यू हैव टू फाइंड द वैल्यू। और वैल्यू कब फाइंड करोगे? फॉर ए इज इक्वल टू वन एंड बी इज इक्वल टू टू, यानी कि ए का वैल्यू वन है और बी का वैल्यू टू है, एंड देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। निर्मला डिड यू ट्राई दिस? निर्मला ने किया? किया आपने? बताओ, माइक ऑन रखो ना। माइक ऑन रखो। आपको तो दो दिन दिए थे मैंने, फर्स्ट भी था सेकंड भी था। बताओ निर्मला, यस सर। आपने किया ये सॉल्व? सर आई हैव ट्राइड। व्हाट इज द आंसर? सर 10.5। 10.5 कैसे आया? सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सुमित, आपने ये क्वेश्चंस किए थे? मैम सर नहीं, वो सर का वो कारण बताइए। मैं सर सर वो मम्मी वो दोपहर में वो मार्केट चले गई थी, वो मम्मी आई थी 9 बजे। 9 बजे आने से क्या, आपके पास तो 2 दिन थे। पहली 1 मार्च था, पूरा दिन था, 2 मार्च था। ये तो मैंने 2 दिन का होमवर्क दिया था आपको। और ये तो उसी समय आपको कॉपी पे लिखने थे, इसीलिए तो मैंने व्हाट्सएप पे आपको भेजा था। उसके बाद तो आपको मोबाइल की जरूरत ही नहीं थी। अपने कॉपी में ये क्वेश्चंस को लिखना था और फिर उनको ट्राई करना था कॉपी में। मम्मी मार्केट गई थी तो उससे क्या फर्क पड़ता? मुझे समझ नहीं आया आपका बहाना। कुछ और बहाना ढूंढ लेना, ठीक है? सर वो झूठ नहीं बोल रहा सर। नहीं तो फिर क्या बहाना है? मतलब ये वाले क्वेश्चंस करने थे, ये वाले तो ये मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा था। इनको आप कॉपी में लिख सकते हो और उसके बाद फिर आपके पास मोबाइल हो या नहीं हो, आप इनको इनको कर सकते हो कॉपी पे प्रैक्टिस। ये तो प्रैक्टिस वर्क है, जब जितनी प्रैक्टिस करोगे तभी तो आपको आएगा, ऐसे थोड़ी ना आएगा। यस सर। क्लास में बैठोगे और मैं बोलते जाऊंगा और आपके आपको लगेगा कि बस मेरे को आ गया, ऐसे नहीं आता है। वो इंग्लिश लैंग्वेज हो या मैथ हो, अनलेस यू प्रैक्टिस, अगर तुम खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा। आप जितना मर्जी उसको कोशिश करो। यस सर। फिर क्या होता? फिर तो ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ये आप ये काम बस आराम से बैठ के वीडियो देखते रहो, और ऐसे थोड़ी ना आएगा। किसने किया, किसी ने किए ये क्वेश्चंस?
सोनिया थापा, आप आए थे पिछली क्लास में? माइक ऑन करो। एक तो आप लोग माइक बंद कर देते हो, फिर बार बार पूछना पड़ता है, फिर माइक ऑन करते हो। अगर किसी के घर में शोर हो, नॉइज हो, तब बंद कर सकते हो, वरना तो माइक ऑन रखो और बातचीत करो जैसे क्लास में बातचीत होती है। और अगर आपकी बैंडविड्थ, आपका इंटरनेट अच्छा स्ट्रांग है, तो आप अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हो। इसका कैसे निर्मला, आपको 10.5 कैसे आया इसका वैल्यू? 2a/b, इसका वैल्यू 10.5 कैसे आया? हाँ, सर, बी वैल्यू इज 2 एंड ए वैल्यू इज 1, सर 21/2, 21 2 कैसे होता है? 2a, व्हाट डू यू मीन बाय 2a? डिवाइडेड बाय 2 into a, करेक्ट। और a का वैल्यू कितना है? 1. सो 2 multiplied by a मीन्स 2 multiplied by 1, तो ये 21 कैसे हो गया? सर टू टू तो टू हाउ डू यू से 21? आंसर इज फोर फोर. आंसर सर आंसर इज 2 multiplied by a। a का वैल्यू है 1, सो 1 इज वन लिख दो। इक्वल टू डिवाइडेड बाय b, b का वैल्यू है 2, तो क्या क्या आंसर आएगा? सर वन. 1 आएगा। 2 1 2, 2 1 2, 1 into 1 हो गया 1, डिवाइडेड बाय 1, 1/1 इज 1। वन आंसर 1 ही आया। अपॉन वन टू वन एक्स एक्स अब नेक्स्ट वाला देखो, ये वाला। अब आपको वैल्यू किसका फाइंड करना है? सर फोर एक्चुअली बी प्लस बी इनटू ए माइनस बी. हाँ, तो ए प्लस बी ये ब्रैकेट में है, फिर दूसरा ब्रैकेट साथ में लिखा है ए माइनस बी। उसका क्या मतलब है कि इन दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब इनका वैल्यू डाल दो। ए का क्या वैल्यू है? 3 3 प्लस बी, बी का क्या है? सर 2, तो ब्रैकेट बंद। मल्टीप्लाइड बाई फिर से ए का वैल्यू क्या है? 3 माइनस 2, तो क्या आंसर आएगा? 3 में से 2 गया सर. 5 into 1 3 plus 2 is 5। ओके मल्टीप्लाइड का मल्टीप्लाई लिखो, 3 minus 2 is 1, तो फाइव आंसर कितना आया? फाइव। फाइव तो इतने इतने आसान सवाल है ये तो 1 मिनट में हो जाएगा अगर आप ध्यान दो और मेहनत करो। अगर करोगे ही नहीं तो फिर कैसे आएगा ये आपको? अब नेक्स्ट बताओ। अब ये वैल्यू दिए x=3, y है -1 और z है -3। जब भी नेगेटिव नंबर हो ना, उनको बेशक ब्रैकेट में लिखा, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। और एक्सप्रेशन क्या है आपका? xyz + yzx + zxy। ये किसके बराबर होगा? x क्या वैल्यू है? 3। 3 multiplied by y, y है -1, मल्टीप्लाइड बाय जेड, जेड है -3। ये तीनों जो है, ये एक्स वाई जेड के बदले मैंने ये लिखा, इनका मतलब है इन बीच के ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन हम क्योंकि अलजेब्रा में दिखाते नहीं है, वही तो उसी की तो प्रैक्टिस करनी है। जब खुद करोगे तभी वो याद रहेगा, वरना तो ये मैं कर रहा हूं, आप तो कर ही नहीं रहे हो। करो इसको, जरा करो सॉल्व।
सर नेगेटिव 9। कौन सा है नेगेटिव 9? सर थर्ड वाले का आंसर। थर्ड वाला मतलब ये पूरा? यस। एक्स वाई जेड, एक्स का है 3, वाई का है -1, जेड का है -3। नो सर, नो सर, इसका पूरे का नहीं है। हाँ तो पूरे का करके बताओ मेरे को। ये तो एक्स वाई जेड हो गया, ये तो 3 × 3 हो गया, नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव, 3 × 3 = 9 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1 = 9 ओनली। तो ये तीनों का जब मल्टीप्लाई किया वो तो पॉजिटिव 9 आ गया आंसर। अब नेक्स्ट टर्म देखो, और नेक्स्ट टर्म के बीच में क्या है? एडिशन प्लस। अब ये वाला है नेक्स्ट, वाई जेड एक्स। तो अगर आप ध्यान से देखोगे वाई जेड एक्स का भी यही आंसर होगा। क्यों यही आंसर होगा? क्योंकि सेम वेरिएबल है। पहले एक्स लिखो, वाई लिखो या जेड लिखो, मल्टीप्लाई आपस में हो रहे हैं, तो ये दूसरा वाला भी तो वही है, एक्स वाई एंड जेड, सिर्फ इसको पहले वाई लिखा है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? आप अगर पहले मान लो मैं कहता हूँ 5 × 4 या 4 × 5, आंसर तो सेम आएगा। यस सर। ये तो देखने से ही पता चलता है कि अगर आपने एक फर्स्ट टर्म का आंसर +9 निकाला तो दूसरा भी +9 होगा, तीसरा भी +9 होगा, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल तो बदले ही नहीं है, ये सारे एक्स वाई जेड ही है। तीनों को ध्यान से देखो आप, ये भी एक्स वाई जेड है, ये भी एक्स वाई जेड है, सिर्फ वाई पहले लिखा है एक्स बाद में लिखा है, और ये भी एक्स वाई जेड है। तो अगर ये 9 है, +9, ये भी 9 है, ये भी 9 है, तो आंसर कितना होगा? सर 27। अब इसका ये वाला कौन करेगा? लिखो ये कॉपी में। यस सर। इसको बोर्ड पे भी मैं लिखता हूँ, 2x³y। तो अभी आपको पुराना बुक का क्वेश्चन तो दिख रहा है, वो तो लिखो कॉपी में। x = -1, y = -1, z = 2। तो ये क्वेश्चन है, आपको इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। तब जब x -1 हो, y भी -1 हो और z +2 हो, करो सवाल, सब लोग ट्राई करेंगे। समझ में आ रहे हैं ना? यस सर। करो सवाल।
सर सर नेगेटिव एट। चाल नेगेटिव क्या आंसर आया सर नेगेटिव वेट। कैसे? एक 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 टर्म को बताओ मेरे को। पहला टर्म क्या है? सर फर्स्ट इज टू। ये पहला टर्म मींस दिस वन। यस व्हाट डज दिस मीन? दिस मींस टू नेगेटिव थ्री। नेगेटिव थ्री कैसे? सर नेगेटिव वन रेज टू पावर थ्री। हाँ, वो कितना होता है? इसका मतलब सर नेगेटिव वन टू एक्स क्यूब वाई का मतलब क्या है? टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स को तीन बारी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। मतलब है ना, और फिर वाई के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहे हो। यानी हम सिर्फ इसकी बात करें पहले टर्म की, तो टू एक्स क्यूब वाई टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है? नेगेटिव वन। नेगेटिव वन को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते जाओ, तो क्योंकि क्यूब क्यूब है। अगर क्यूब है इसका मतलब है आपने तीन बारी मल्टीप्लाई किया एक्स को, और बाद में वाई से मल्टीप्लाई करना है। वाई कितना है? वो भी नेगेटिव वन है। तो इसका मतलब है जो ये पूरा का पूरा टर्म है, इस सिर्फ इस टर्म की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव फोर। नेगेटिव फोर कैसे होगी? सर नेगेटिव टू। कैसे नेगेटिव? नेगेटिव पॉजिटिव टू। सर पॉजिटिव टू माइनस टू। पहले पहले सिर्फ नंबर को करो, टू वन जा टू, ये तो सारे वन ही है और बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब है ये वन तो वन ही रहेगा, और टू से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये टू। अब देखना है ये पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव। तो आप जब मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव को पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिव को फिर इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 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 टू। आंसर हो गया पॉजिटिव टू। यानी कि जो ये पहला टर्म है ये वाला, इसका वैल्यू कितना है? पॉजिटिव टू। पॉजिटिव टू तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। अब दूसरे टर्म की बात करते हैं इसकी, बाद में ये जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन है इनको बाद में जोड़ेंगे, पहले हम दूसरे टर्म की बात करते हैं। दूसरा टर्म क्या है? थ्री एक्स वाई स्क्वायर। तो इसका वैल्यू निकालो, थ्री मल्टीप्लाइड बाई एक्स, एक्स कितना है? नेगेटिव वन। मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर, वाई कितना है? नेगेटिव वन। तो नेगेटिव वन को दो बारी मल्टीप्लाई करना है, तो वो कितना हुआ? सर नेगेटिव थ्री। हाँ, क्योंकि थ्री वन जा थ्री। यस सर। और negative. ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, और फिर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव नेगेटिव बन गया, तो ये नेगेटिव थ्री। तो दूसरा टर्म जो है हमारे पास, पहला टर्म था पॉजिटिव टू, दूसरा टर्म जो है वो है नेगेटिव थ्री, और जेड कितना है? टू। टू, तो ये टू है। अब आपके पास तीनों टर्म्स की वैल्यू मिल गई। अब इसमें सिर्फ ध्यान ये रखना है
कि ये जो नेगेटिव थ्री है इसके बाहर भी नेगेटिव एक और माइनस है ना, क्योंकि ये सर जो थ्री एक्स वाई स्क्वायर है ये हमने नेगेटिव थ्री निकाला, और ये पॉजिटिव टू है और ये भी पॉजिटिव टू, यानी कि हमारा पूरा एक्सप्रेशन क्या बना, पॉजिटिव टू, फिर ये वाला बीच में है माइनस, तो हम माइनस लिखेंगे, और ये क्या दूसरा टर्म है नेगेटिव थ्री। नेगेटिव थ्री नेगेटिव को आप हमेशा ब्रैकेट में लिखो, फिर गलती नहीं होगी, पॉजिटिव और माइनस और माइनस प्लस टू। अब इनको हम अगर जोड़ेंगे तो ये नेगेटिव और नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, सर यानी कि पॉजिटिव टू पॉजिटिव थ्री पॉजिटिव टू, तो नेगेटिव आंसर कितना आ गया, पॉजिटिव सेवन सेवन। सर तो ऐसे ही सॉल्व करने एक एक क्वेश्चंस को, इसीलिए मैंने आपको ये काम दिया था कि आप इसकी खूब प्रैक्टिस करो घर में। हाँ इसीलिए मैंने ये क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को कि आप इनकी खूब प्रैक्टिस करो, खूब मेहनत करो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये क्वेश्चंस आपको आएंगे नहीं। तब तक समझ नहीं आता तब तक प्लास्टिक इस सवाल की नहीं तो सब अब समझ तो गए हो, अब इसको कोशिश करनी है। जब तक ओके आप कॉपी में हल नहीं करोगे, खुद कोशिश नहीं करोगे, तो फिर समझ नहीं आएगा। एक 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 स्टेप से कोशिश करनी है। अब जैसे ये वाला सवाल है, अब आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस थ्री डी स्क्वायर। अब ए और आपको वैल्यू क्या दिया है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू टू। इसका क्या मतलब हुआ कि ये सारे टू के बराबर है, यानी कि ए भी टू के बराबर है, बी भी टू सी के बराबर है, सी भी टू के बराबर है, और डी भी टू के भी बराबर। तो अब ये चारों का आपको अगर वैल्यू मालूम है, आप इस एक्सप्रेशन में उस वैल्यू को डालो और फिर सॉल्व करो। अभी करो, देखते हैं कौन करेगा। लिखो इसको कॉपी में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस थ्री डी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी थ्री स्क्वायर माइनस फोर थ्री डी सर स्क्वायर, जीरो और ये सारे सर ए बी सी और डी जो हैं वो टू के बराबर है। सर सिक्स सर जीरो तो करो, अब पहले ए स्क्वायर करो, सर फोर ए स्क्वायर हो गया टू का स्क्वायर प्लस बी भी टू है तो फिर से टू का स्क्वायर, सी भी टू है तो फिर से सी टू का स्क्वायर, फिर माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाई डी, डी भी टू टू है, ये सारे ही टू है तो टू का स्क्वायर वो किसके बराबर होगा, टू स्क्वायर फोर का टू इंटू टू हो गया फोर, फोर फोर ये भी फोर प्लस फोर, ये भी देन फोर, फोर ये अब ध्यान रखना, माइनस ये सिक्स ये है नेगेटिव थ्री नेगेटिव थ्री मल्टीप्लाइड बाई फोर फोर। सो थ्री मल्टीप्लाइड ट्वेल्व बाई फोर कितना होगा, ट्वेल्व ट्वेल्व ना माइनस ट्वेल्व, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है, माइनस नेगेटिव नेगेटिव ट्वेल्व। और ये फोर प्लस फोर प्लस फोर कितना होता है, ट्वेल्व ट्वेल्व तो 12 माइनस 12 कितना होगा, जीरो 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 तो आंसर जीरो है। यस सर तो ये तो इतना इजी है, आपने सिर्फ आराम से एक एक स्टेप करना है, पहले इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, और इस स्टेप में आप यहाँ पे ये एरो के बदले आप इक्वल का साइन लिख सकते हो।
क्योंकि ये तो जब आपने इसकी वैल्यू डाली तो हर स्टेप में आप इक्वल लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि ये जो है ये इसके बराबर है, और ये जो है ये इसके बराबर है, और ये सारा इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है। तो एक एक स्टेप से करोगे खुद ही आराम से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, समझे? यस सर, हाँ, तो इसकी लेकिन प्रैक्टिस करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। तो ये वाले सवाल क्या थे? ये थे, हम क्या कर रहे थे, हम फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड कर रहे थे। किसका वैल्यू फाइंड कर रहे थे? किसका वैल्यू फाइंड कर रहे थे इन क्वेश्चंस में? वेरिएबल एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का। हाँ, एक्सप्रेशन ही पूरा का पूरा था, ये और ये, और ये पहला वाला। इन एक्सप्रेशंस का हमने वैल्यू फाइंड किया जब हमारे वेरिएबल के कुछ वैल्यू दिए हुए, वेरिएबल के वैल्यू दिए थे तो हमने एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड किया। अब देखो यहाँ पे लिखा है एडिशन, अब नेक्स्ट टॉपिक है, ये लिखो टॉपिक, कॉपी में लिखो। अब ये लिख रहा है एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अगर अब हमारे जैसे हमने ये एक एक्सप्रेशन लिखा, ये ऊपर एक एक्सप्रेशन लिखा, और उनका अलग अलग वैल्यू फाइंड किया, अब नेक्स्ट टॉपिक है कि हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को आपस में ऐड कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है, अगर मैं कहता हूं मेरे पास 7, ध्यान से सुनना तो ये क्लियर हो जाएगा। मान लो मैं कहता हूं मेरे पास 7 ऑरेंजेस हैं, ठीक है, एंड 5 ऑरेंजेस हैं, यानी कि मेरे पास 7 संतरे हैं और 5 संतरे हैं, और मैं फिर आपको कहता हूं इनको ऐड करो, तो फिर मैं आपसे पूछता हूँ टोटल क्या आएगा, व्हाट विल बी टोटल? सर 12, सर 12 12 ऑरेंजेस। अब मैं आपसे, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पास 7 ऑरेंजेस थे एंड 5 एप्पल्स थे, और मैं कह रहा हूं एड, अब टोटल क्या आएगा? सर ऑरेंजेस एंड 5 एप्पल। हाँ, अब इनको ऐड, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो सर आंसर, वी कांट एडिट, आंसर तो यही आएगा, 7 ऑरेंजेस सर 5 एप्पल। एंड 5 एप्पल्स। इनको हम ऐड नहीं कर सकते, ऑरेंजेस को ऑरेंजेस के साथ ऐड किया तो हमारे 12 आ गए, क्यों? इन्हीं को हम लाइक टर्म्स कहते हैं। जब इससे आपको अगर क्लियर हो गया, आइडिया आ गया, तो सिमिलरली अगर मैं लिखता हूं 5x + 2x, तो आप जल्दी से कह सकते हो 7x। लेकिन अगर मैं कहता हूं 5x + 2y, सर सो 5 आंसर 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 वही रहेगा, सेम। प्लस आप इनको ऐड नहीं कर सकते हो, तो आप इसका बताओगे यही आंसर है, लेकिन ये लाइक टर्म्स है तो इनको आपने ऐड किया, जैसे अभी हमने ऑरेंजेस और एप्पल्स देखे। यस सर।
अब मैं कह रहा हूं ओके, ये तो अब मैं कह रहा हूं एक एक्सप्रेशन है मेरे पास 5x+y, ये एक्सप्रेशन नंबर 1 है, ठीक है। दूसरा मेरे पास एक और एक्सप्रेशन है, वो है 2y+3x, तो दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 1, दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 2। अब मैं कहता हूं इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करो, ऐड एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशन 1 और ऐड एक्सप्रेशन 2 को आपस में ऐड करो, क्या आंसर आएगा? फर्स्ट आंसर इज 5x multiply y। मल्टीप्लाई कहां से आ गया? मल्टीप्लाई तो है ही नहीं। सर 5x+y। हाँ वो तो दिया हुआ है ना, दैट इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन। सर 5xy+3y। सर 5xy। नहीं, एक्स वाई कहां से हो गया? एक्स वाई मीन्स एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई, मल्टीप्लाई कैसे आपने किया? ये तो ऐड ऐड हो रहा है, एडिशन। सर 8x+3y। और इसको इस एक्सप्रेशन से आपने ऐड करना है। हाँ ये सही आंसर, नहीं आंसर सही दिया। अब इसमें जो लाइक टर्म है, लाइक टर्म कौन से हैं? सर 5x और 3x। हाँ तो इनको आप उसमें ऐड करो, वो तो 8x बन गया, और 2y और 1y इनको ऐड किया 3y। सर 3y, तो ये हमारा आंसर आ गया। इट इज सो सिंपल। यस तो अगर अब एक्सप्रेशन बड़ा हो, जैसे अब मैं और एक्सप्रेशन को मैं बड़ा कर रहा हूँ, और डिफिकल्ट कर रहा हूँ, लेकिन करना वही चीज है। सपोज मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा, और दूसरा एक्सप्रेशन मैंने लिखा, तो दिस इज एक्सप्रेशन 1, दिस इज एक्सप्रेशन 2, और मैं आगे लिख रहा हूं एड, अब क्या कैसे करोगे? सो इसमें बेस्ट तरीका है क्या है, कंफ्यूजन मिटाने की, लाइक टर्म पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखो आप 5x² + 3x, ये लिख दिया। फिर जो सेकंड एक्सप्रेशन है, इसमें अगर लाइक टर्म है कोई, उसको लाइक टर्म के नीचे लिखो, जैसे x² और 5x² और 2x² तो लाइक टर्म्स है, क्योंकि वेरिएबल सेम है और पावर भी सेम है। तो ये टर्म कौन सा है? दिस टर्म इज पॉजिटिव 2x², तो ये मैं इसके नीचे लिखता हूँ पॉजिटिव 2x². फिर नेक्स्ट टर्म इज y, तो ये तो x है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसको मैं खाली छोड़ देता हूँ, कुछ नहीं लिखता हूँ। फिर जो प्लस वाई है उसको मैं यहां लिखता हूं, थोड़ा दूर लिखता हूं अलग से, फिर इन दोनों को ऐड कर दो। जैसे वाई के ऊपर तो वाई है ही नहीं, यानी कि मान लो जीरो है, ये भी जीरो है, वाई प्लस जीरो इज प्लस वाई, 3x पॉजिटिव 3x प्लस जीरो इज पॉजिटिव 3x, 5x² एंड 2x² को जब हम ऐड करेंगे वो क्या बन जाएगा? सिर्फ कोफिशियंट और कोफिशियंट आपस में ऐड होंगे, वेरिएबल सेम रहेगा। तो 7x सर 7 पॉजिटिव 3x पॉजिटिव y। 7 नहीं है, 7x² पूरा बोलो। तो दिस इज योर आंसर। यस सर।
अभी देखो ये भी सेम वैसे ही कर रहे हैं। जब हम टू लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 7x एंड 3x, तो हम इन कोफिशियंट्स को ऐड करते हैं और जो वेरिएबल है उसको हम बाहर कॉमन लिखते हैं। तो 7 + 3 10 और x लगा दिया, 10x वो 2 है। अब देखो जो अभी हमने किया वैसे ही ये वाला सवाल है, 4a + 3b - 12c एंड 2a - 5c, इनको ऐड करना है। तो देखो कैसे किया है, यहाँ पे पहला एक्सप्रेशन हमने ये लिख दिया, फिर दूसरा जो है उसको लाइक टर्म के नीचे लिखा है, तो 4a को और 2a को इसके नीचे लिखा। यहाँ 3b है, यहाँ तो b है ही नहीं, तो इसको खाली छोड़ दिया। और ये 12c है और ये 5c है, इसको एक दूसरे के नीचे लिखा। फिर जब ऐड किया उस समय ये ध्यान रखना है, ये टर्म क्या है, नेगेटिव 12c, ये टर्म है -5c। जब इन दोनों को आप ऐड करोगे ये क्या बन जाएगा, प्लस इट विल बी बिकॉज माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। नो, दैट इज ओनली इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यू हैव टू रिमेम्बर। अगर अगर मैं कहता -12c मल्टीप्लाइड बाई -5c, तब तो ये प्लस हो जाता। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग क्या है कि इस टर्म से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बट हियर आई एम नॉट मल्टीप्लाइंग, आई एम एडिंग। सो इफ यू ऐड, फॉर एग्जाम्पल इफ यू ऐड -12, अगर मैं कहता हूं -12 को ऐड करो, फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल क्वेश्चन है, ऐड -12 एंड -5, क्या आंसर होगा? बताओ सुमित। सर +17। सुमित बताएगा, चलो सुमित बताओगे। +17 क्या सर? ये दिखा रहा हूँ ना, ये देख, यस सर, आंसर आएगा। एंड 12 एंड 12 एंड -5 माइनस माइनस प्लस एंड प्लस सर 17 सर +17 सर -17 -17। देखो आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ मैं कह रहा हूं ऐड, ऐड मतलब जोड़ो, किसको जोड़ना है? 12 और 12 नहीं, 12 नहीं है, पूरा पढ़ना है, -12 -12 और -5, इनको इनको आपस में क्या करना है, और जो ऐड ऐड करना है। तो -12 और -5 को जोड़ो, क्या आंसर आएगा? -17 हाँ, -17 आएगा। पॉजिटिव कैसे हो जाए? -17 जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब वो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। अगर मैं बोलूंगा -12 मल्टीप्लाइड बाई -5, तो क्या आंसर आएगा? तब ये नेगेटिव और नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पॉजिटिव बन गया। और नंबर नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 × 5 = 60। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि केवल मल्टीप्लीकेशन में साइन नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव होता है, एडिशन में नहीं होगा। यस सर।
अब मैं क्या, अगर मैं अब ध्यान से फिर सुनना, सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट होता है घटाओ, फाइव फ्रॉम सेवेंटीन, क्या आंसर होगा? इसको हम कैसे लिखेंगे? इसमें से घटाना है, पहले वो सोचो। सो 17 में से 5। हाँ तो पहले 17 लिखो, 17 में से 5 को घटाना है। जब हम 5, सिर्फ 5 बोलते हैं, उसका मतलब ये, जब किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं हो, उसका मतलब है ये पॉजिटिव नंबर है। तो हमने यहाँ पॉजिटिव लिखा। Yes. तो 17 में से 5 घटाए, वो 12 पॉजिटिव 12 आ गया। साथ साथ में पॉजिटिव और नेगेटिव भी बोलो, फिर गलती नहीं होगी। अब इसी सवाल को, अब इसी सवाल को मैं थोड़ा सा उल्टा करता हूँ। अब मैं कहता हूँ सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 12, तो किस में से किसको घटाना है? सबट्रैक्ट 5 फ्रॉम 12, 12 में से 5 घटाओ तो 7 आ गए। अब मैंने इसको, अब मैंने लिखा, अब मैंने थोड़ा उसको उल्टा कर दिया, सबट्रैक्ट 12 फ्रॉम 5, अब किस किस में से घटाना है? सर 5 को 12 में से घटाना है सर, 5 में से 12 फ्रॉम, फ्रॉम जब फ्रॉम 5 है इसका मतलब भी है सर 5 में से 5, 5 में से 12 पहले, तो जिसमें से सबट्रैक्ट करना है वो पहले लिखना है, 5 में से 12 माइनस, 5 में से 12 माइनस करना है। 7 नहीं, 7 नहीं आएगा, 8 सर, 3 सर, 3 3 नो सर, 8 सर, 7 नहीं बेटे, कैसे 5 सर, 12 में से 12 में से 5 कट गए तो 7 बचेगा सर, 12 में से 5 कैसे घटा दिया? यहाँ ये दिख रहा है नहीं आपको, ये क्या लिखा हुआ है? 5 12 में 5 में से 12 घटा रहा हूँ या 12 में से 5 घटा रहा हूँ? सिर्फ निर्मला ठीक बोल रही है सर, दैट ओनली आई से, बट आई डोंट गिव दैट नेगेटिव साइन। Yeah, then that means your answer is wrong. If your sign is wrong, the answer is wrong. Okay. Because 7 and negative 7 are not same. Yes, sir. So that you have to be very clear. If you say, sir, मैंने 7 तो बोला, लेकिन negative लिखना भूल गया, आपको marks तो 0 मिलेगा. Yes, sir. क्यों? क्योंकि देखो अभी हमने करना है 5 माइनस 12, इसका क्या मतलब है? अगर हम नंबर लाइन पे देखें, अगर ये अब मेरा 0 है तो पहले 5 है, तो मैं 5 की डायरेक्शन, और ये 5 क्या है? पॉजिटिव, तो मैं पॉजिटिव 5 की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, पॉजिटिव 1 2 3 4 5, तो यहाँ पहुंच गया मैं, ये सारा पॉजिटिव डायरेक्शन है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव आर ओनली डायरेक्शंस, दिशा। अब मैं यहां पहुंच गया, अब उसमें से मैंने घटाना है, नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है, तो मैं उल्टी डायरेक्शन में चल रहा हूं, अब वापस जाना है मेरे, और कितना जाना है? नेगेटिव 12। तो देखो मैं यहां से एक नेगेटिव गया 1, नेगेटिव 2, नेगेटिव 3, नेगेटिव 4, नेगेटिव 5, नेगेटिव 6, नेगेटिव 7, ऐसे करते करते जब मैं जाऊंगा
आप देखोगे मैं यहाँ पे अब इस डायरेक्शन में ये नेगेटिव डायरेक्शन है, अगर मैं यहाँ लिखूंगा नेगेटिव वन, नेगेटिव टू, नेगेटिव थ्री, नेगेटिव फोर, नेगेटिव फाइव, नेगेटिव सिक्स, नेगेटिव सेवन, अब देखो अब फिर से देखते हैं। देखो मैं कलर ब्लू करता हूं, ये बड़ा क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। ओ या ये मिट गया, ओके या ये गलती से मिट गया। अगर मैंने यहां से पॉजिटिव फाइव यहां पहुंच गया, जब मैं नेगेटिव बारह जाऊंगा तो ये मेरा नेगेटिव वन, नेगेटिव टू, नेगेटिव थ्री, नेगेटिव फोर, नेगेटिव फाइव, नेगेटिव सिक्स, नेगेटिव सेवन, नेगेटिव एट, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन है, ये सेंटर में जीरो है, और इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, पॉजिटिव वन टू थ्री फोर। तो ये सारे नंबर्स जो हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ये नेगेटिव इंटीजर्स। जब मैं कहता हूं 5 माइनस 12, उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है कि एक नंबर, एक इंटीजर मेरा जो ये 5 है ये पॉजिटिव 5 है और दूसरा इंटीजर मेरा नेगेटिव 5 और नेगेटिव 2 है, और इनको मैं आपस में अगर जोड़ रहा हूं, जोड़ना और घटाना सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। अब देखो मैं पॉजिटिव फाइव की डायरेक्शन में जाऊंगा तो मैं यहां से जा रहा हूं पॉजिटिव वन टू थ्री फोर फाइव, यहां पहुंच गया मैं। जब यहां पहुंच गया मैं, यहां पहुंच गया, उसके बाद मुझे नेगेटिव नेगेटिव ट्वेल्व जाना है, यानी कि डायरेक्शन बदलनी है। तो नेगेटिव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, तो मैं कहां पहुंच गया? 7 नेगेटिव। सो इससे पॉजिटिव और नेगेटिव केवल डायरेक्शन बताता है, दिशा बताता है, और इससे ये ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार से जो हमारा सवाल था, अब मैंने, अब ये सवाल था, ये एक एक्सप्रेशन है, ये दूसरा एक्सप्रेशन है, तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखा, और साइन के समय, साइन भूलना नहीं है, और इनको बाद में जोड़ दिया। प्लस फोर, पॉजिटिव फोर और पॉजिटिव टू को जब जोड़ा वो पॉजिटिव सिक्स बन गया, साथ में वेरिएबल लिखते गए, 3b के नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो वो 3b वैसे का वैसे रहा। अब यहाँ पे नेगेटिव 12c है और नेगेटिव 5c है, इनको अब आपस में क्या करना है, जोड़ना है। यस सर। मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, जोड़ना है 17। हाँ, तो नेगेटिव 12 को नेगेटिव पांच से मैं अगर जोड़ूंगा तो वो नेगेटिव 17 बन जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, जैसे भी हम नंबर लाइन में देखा। मैं जोड़ने की बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, इसीलिए ये नेगेटिव 17 बन गया। समझ गए? ओके सर। अब जरा ये मैं दो तीन सवाल देता हूं आप लोगों को,
और आप वो प्रैक्टिस वर्क के रूप में करो, तभी आपको फायदा होगा, अगर नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं। यस सर। जी कहाँ चला गया मीट? चल प्लस और पॉजिटिव में करना है। अभी मैं लिख रहा हूँ ना सवाल, पहले देखते हैं। अब मैं यहाँ पे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ एंड, एंड द एक्सप्रेशंस, यानी कि जो मैं एक्सप्रेशंस दे रहा हूँ उनको जोड़ो, एड करना है। तो क्वेश्चन नंबर वन, क्या क्या एक्सप्रेशन है वो मैं यहां लिख रहा हूं। पहला एक्सप्रेशन है 5x माइनस 6y प्लस 3z, फिर कॉमा, कॉमा मतलब ये एक्सप्रेशन खत्म हो गया, अब दूसरा एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। दूसरा एक्सप्रेशन है 5z माइनस 2y माइनस 8x। क्वेश्चन नंबर टू, 20xy प्लस 5y कॉमा 6x प्लस 6x नहीं, नेगेटिव 6x नेगेटिव 15xy। क्वेश्चन नंबर थ्री, 12a प्लस 12a माइनस 6b फाइव बी प्लस 3a माइनस 6c। अब ये तीन क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल हैं, आराम से सोच के करना। ये एक एक्सप्रेशन है, ये दूसरा एक्सप्रेशन है, इन दोनों को ऐड करना है। ये एक एक्सप्रेशन है, ये दूसरा एक्सप्रेशन है, इसको ऐड करना है। ये ऐड करना है, इन सबों को ऐड करना है। जब क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में दो दो एक्सप्रेशन है, जैसे पहले में ये एक एक्सप्रेशन है और एक ही है, उनको मैंने कॉमा से अलग अलग किया है, और इनको फिर दूसरे में ये एक एक्सप्रेशन है और ये एक एक्सप्रेशन है, और तीसरे में ये एक एक्सप्रेशन है और ये एक एक्सप्रेशन, इनको आप उसमें ऐड करना है। होमवर्क नहीं लिखता हूँ, फिर आपको लगता है होमवर्क मुश्किल है, मैं इसको प्रैक्टिस वर्क लिखता हूँ कि आप प्रैक्टिस करोगे तभी सीखोगे, प्रैक्टिस वर्क। और आज की डेट 4, इसको आपने कॉपी में लिखना है, कॉपी में करके दिखाना है मेरे को, और उसको व्हाट्सएप करना है। बेशक ग्रुप में नहीं करो, मेरे नंबर पे अलग अलग करो, नंबर तो है ही आपके पास। यस सर। ये मैंने लिख भी दिया, और जो भी 999, और जो भी व्हाट्सएप करोगे अपना नाम भी लिखना। यस सर। चलो ये आपका होमवर्क है, होमवर्क नहीं है, प्रैक्टिस वर्क। ओके सर। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा, और ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेजता हूँ। ओके सर। ओके बाय देन। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट सर।